ऐ मेरे रब्बे ज़ुलजलाल, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, नियतों का हाल समझने वाले, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं मेरे प्यारे रब, मेरी जिंदगी तो तेरी रजा पर चलने का नाम है। तो मुझे फिर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुकून के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए दिखाई देंगे। रमदान नैना से कहता है, उस दिन मेरे एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हें पता है क्या ड्रामा हुआ? रजा की जिस लड़की के साथ एंगेजमेंट होने वाली है उसी ने हमारी पार्टी में 20 लोगों के दरमियान रजा के मुंह पर चमाट रसीद कर दिया। अंकल और आंटी को इतनी शर्मिंदगी हुई इस सारे माजरे का सुनकर। जवाब में ऐना कहती है, ये सब तो होना ही था, उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो वो कैसे आबाद रह सकता है। जिस दिन मैं अपना घर बार छोड़ के रजा के लिए उसके घर आई थी तो उसके वालदेन ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई मैं बेकारी हूँ। उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे की गलती को नजरअंदाज करते हुए ये सारे फैसले किए। जवाब में हमदान कहता है, ये सब तो होना ही था और इसका मुझे बाखूबी इल्म भी था, लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा है वो अंकल और आंटी के लिए हो रहा है कि नादानियों की वजह से उन्हें कितनी एम्बेरसमेंट फील करना पड़ा। तो दोस्तों कमेंट्स में आप ही बताएं कि रजा के साथ जो हुआ ठीक हुआ या गलत।